बैक टू माई चैनल, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ और आप ये मत सोचना कि मैं ये सनग्लास पहन के बनाऊँगी। ये जस्ट मैंने थोड़ा थोड़ा शो ऑफ के लिए पहन लिया। और सो या, और आज का जो ये हॉल वीडियो है वो एक सरोजी नगर हॉल वीडियो है। एक्चुअली मैं ये बनाने वाली नहीं थी, फिर मेरे प्यारे व्यूअर्स ने कहा कि वो चाहते हैं सरोजी नगर हॉल वीडियो मैं करूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली गई थी मैं सरोजी नगर मार्केट, अभी जब मैं दिल्ली गई थी तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें, बहुत कम चीज़ें ही लेके आई हूँ। बहुत कम चीज़ें लेके आई हूँ, बट जो भी लेके आई हूँ मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। सो या मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या लेके आई हूँ, और आप मुझे देख सकते हो जो भी मैंने पहना है। सबसे पहली चीज़ कि ये वहीं से है, तो ये सनग्लास जो है मुझे बहुत प्यारा लगा। तो एक्चुअली मैंने इस तरह में सनग्लास नहीं लिया था, बहुत दिनों से मैं ढूंढ रही थी बट मुझे मिला नहीं। ऑनलाइन भी देखा, मुझे अच्छे नहीं मिले, बट फिर मैंने सरोजी नगर देखा, सरोजी नगर मार्केट में, तो मुझे बस पसंद आ गई, मुझे चाहिए ही था। और इसके लिए गाइस मुझे बहुत बार्गेनिंग करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा। वो शॉपकीपर मान ही रहा था, वो 400 बोल रहा था, इससे कम का बोल रहा था, नहीं देंगे। तो मैंने कहा भैया नहीं, इतना नहीं दे सकती हूँ, इसमें क्या है ऐसा, आप इतना क्यों दे रहे हो महंगा? तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ा हैवी है, और ये एक्चुअली मैं जो सन ग्लासेस था उन सबसे ये थोड़ा हैवी था। तो फिर भी मुझे फाइनली ये 200 में मिला, विच इज़ गुड। हाँ, तो दूसरा जो चीज़ है, तो ये इयररिंग मैंने लिया, और ये सिर्फ मुझे 30 रुपीज़ की मिली, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही। मेरे टॉप के साथ भी थोड़ा मैच हो रहा है, आई थिंक मैं आज अच्छी लग रही हूँ। और ये तीसरी चीज़ जो है वो ये टॉप है, जो कि मुझे बहुत प्यारी लगी, और ये सिर्फ 100 रुपीज़ की। गाइस ट्रस्ट मी, ये सिर्फ 100 रुपीज़ की ही मैंने लिया था। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से, ये थोड़ी लॉन्ग टॉप है एक्चुअली, तो इसमें थोड़ी सी इस तरह से है, आप देख सकते हो। और इसकी इस तरह से फुल स्लीव है, इस तरह में है, एंड ऑफकोर्स एक कोल्ड शोल्डर है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और सिर्फ 100 का था, तो मैंने कहा आई थिंक ये बहुत अच्छा है, ले लेना चाहिए। तो मैं ये सनग्लास उतार लेती हूँ, क्योंकि बार बार मुझे नीचे देखना पड़ रहा है और ये थोड़ा सा लूज लग रहा है मुझे। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ये टॉप, और ये मुझे बहुत पसंद आया, बट इसके पीछे मुझे थोड़ा मेहनत करना पड़ा। मैं दिखाती हूँ, और इसे मैंने अभी एक वीडियो में पहन चुकी हूँ, सो प्लीज़ डोंट माइंड। तो ये कुछ इस तरह से है, इस पर लेस का जो वर्क है वो पूरा शोल्डर तक आता है, और ये भी अगेन कोल्ड शोल्डर है। बस ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लूज़ हो रहा था, तो मैंने इसे खुद से हाथों से सिलाई करके फिट कर लिया है। ये मुझे थोड़ा महंगा पड़ा, ये मुझे 200 का पड़ा, ये भी बहुत बार्गेनिंग करनी पड़ी, बट वो ज़्यादा इस पर डिस्काउंट नहीं दिया मुझे, बहुत मुझे लग के बुरा लगा। अगेन जो चीज़ है वो है ये, ये एक इसको क्या कह सकते हैं, इसको कुर्ता कह सकते हैं या ड्रेस टाइप कह सकते हो, बट ये शॉर्ट भी नहीं है, टॉप भी नहीं है, आप देख सकते हो। तो ये कुछ इस तरह का है, ये पूरा इस तरह से थोड़ा लॉन्ग में जाता है। आप इसके नीचे लेगिंग जैगिंग्स भी पहन सकते हो, और आप इसको नहीं भी कुछ पहन सकते हो, ये बहुत फैंसी लगेगा। तो ये मुझे 250 में पड़ा था, तो इसमें भी मुझे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिला, बट इसको मैं अलग तरीके से पहनूंगी। इसके ऊपर मैंने एक ज्वेलरी लिया है, वो मैं पहनूंगी। ओके गाइस, सो नेक्स्ट थिंग जो है वो है ये अगेन कोल्ड शोल्डर टॉप, जो कि मुझे इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है, बिल्कुल ब्रांडेड लग रही है। तो ये बहुत प्यारा, ये अनकंफर्टेबल भी नहीं होता है मुझे पहनने में, और इसे भी मैंने एक वीडियो में पहन चुकी हूँ। तो क्योंकि ये मैं हॉल वीडियो काफ़ी लेट कर रही हूँ, मैंने सोचा नहीं था, फिर मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी कि कैमरे के सामने बैठ के एंड वीडियो बनाना। तो अभी क्योंकि मैं अच्छी हूँ तो मैं बना रही हूँ, और मैं इसे पहन चुकी हूँ एक बार। तो ये कुछ इस तरह से है,
ये भी 200 में पड़ा। इस बार एक्चुअली मैं मंडे को नहीं गई थी, तो इसलिए मुझे डिस्काउंट नहीं मिला, चीज़ें सेल में नहीं थी, तो ये बुरी चीज़ थी इस बार। सो और नेक्स्ट थिंग जो है वो बहुत 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 मेरा फेवरेट है गाइस, मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये भी एक्चुअली मैं कई दिनों से बहुत टाइम से सोच रही थी लेने का, तो क्या हो गया। तो गाइस ये ज्वेलरी मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी ये सिल्वर ज्वेलरी लेने का, बट नहीं ले पा रही थी। आई डोंट नो, देख रही थी, फिर मुझे लगता था कि थोड़ा ऑड लगेगा, एंड यू नो बाद में मुझे लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सो ये इस पर भी अच्छा लगेगा, बट सबसे ज़्यादा जो मैंने ट्राई किया था पहन के इस पर बहुत, क्योंकि इसमें कॉलर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था गाइस, ट्रस्ट मी। इसके साथ पहनने में ये बहुत ही ज़्यादा इसका कॉम्बिनेशन मस्त लग रहा है, तो ये मैं इसके साथ पहनूंगी। अभी हम कहीं घूमने जाने वाले हैं, मंदिर गोल्डन टेंपल सोचा है, देखते हैं, तो वहाँ थोड़ा इंडो वेस्टर्न लुक करके मैं जाऊँगी मे बी। एंड जो दूसरी ज्वेलरी है वो ये है, और ये बहुत सिंपल है, इसको पहनने में यू नो अजीब नहीं लगा, आप जा सकते हो कहीं भी पहन के। तो ये भी मुझे बहुत 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 प्यारा लगा। सो गाइस ये कुछ इस तरीके से लगता है पहनने के बाद। इस पर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैंने हैवी इयररिंग पहना है और हैवी नेकलेस, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है अभी उतना। बट इसे अगर आप यू नो हाई नेक किसी टॉप के साथ या कोई ऐसा इंडो वेस्टर्न लुक कर, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो और या ये सारे मैंने, ये भी 150 का मुझे पड़ा और ये भी 150 का, बार्गेनिंग करने के बाद ये 300 का वो बोल रहे थे, बट फिर मैंने पहले एक शॉप पे मुझे 300 से बिल्कुल भी वो कम नहीं कर रहा था, फिर दूसरे के यहाँ गई तो फिर मुझे फाइनली 150 में पड़ा। और आपको ये इयररिंग बताई थी, और जो नेक्स्ट है वो है ये प्यारा सा रेनबो कलर में ये प्यारा सी इयररिंग, जो कि मुझे बहुत बहुत प्यारा लगा। इसको किसी भी कुर्ते के साथ पहन सकते हैं या इंडो वेस्टर्न लुक के साथ, साड़ी के साथ भी अच्छा लगेगा। तो ये मुझे बहुत बहुत, आप ये भी मुझे एक वीडियो में देखोगे क्योंकि मैंने इसे भी एक बार पहन चुकी हूँ, प्लीज़ डोंट जज मी। तो ये भी बहुत बहुत प्यारा लग रहा है मुझे इयररिंग। और एक ये सर्ली, मेरा सनग्लास गिर गया। ओके सो एक जो मैंने लास्ट है वो ये, बट इस बार नहीं, इससे पहले मैंने ये लिया था बट मैंने दिखाया नहीं, तो मैंने सोचा कि लेट मी शो यू। ये एक लॉन्ग स्कर्ट है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, इसे मैं नीज तक ही चाहती हूँ, तो इसे भी मैं हो सकता है तो इसे काट कर खुद से सिलाई करूँगी। एंड देन फिर इसे मैं वाइट शर्ट के साथ, क्रॉप टॉप के साथ, किसी भी साथ अच्छा लगेगा। सो और हाँ, लास्ट जो है ये मैं अपने बेटे के लिए लाई थी, ये एक्चुअली पानी पीने वाला, ये मुझे 50 रुपीज़ का पड़ा और मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। और इसके लिए एक स्ट्रॉ भी लगी थी, बहुत अच्छा फैंसी, और मेरे बेटे का कमाल है, वो पता नहीं कहाँ फेंक दिया, तो बस ऐसे ही दिखा दिया, अदरवाइज बस यही था। सो फाइनली मेरा बेटा नीरव आ गया है मुझे कंपनी देने के लिए। बेबी उधर देख के हाय बोलो, हाय बोलो। और इसे मेरी ज्वेलरी भी ज़्यादा ही लगा, पसंद आ गई है। अभी तक इसने इयररिंग पे ध्यान नहीं दिया है, अदरवाइज ये अब तक पता नहीं क्या कर दिया होता है ना। चलो हाय बोल दो एक बार उधर देख के, हाय बोलो, हाय बोलो, उधर देखो बेबी, देखो सामने, देखो कैमरा सामने, देखो देखो, नहीं इसे नहीं देखो, देखो देखो ये क्या है बेटा, देखो ये क्या है, क्या है, क्या है। सो या गाइस यही था मेरा हॉल वीडियो, यही सारी चीज़ें मैंने सरोजी नगर मार्केट से ली थी जब मैं दिल्ली गई। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, छोटा सा हॉल वीडियो। एंड अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऑल्सो लाइक माय वीडियो, एंड यू कैन शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड और रिलेटिव्स, एनीवन। सो या टिल देन बाय।